ટેક ગુરુના એક બ્રાન્ડ ન્યુ એપિસોડમાં તમારું સ્વાગત છે. હું છું ચાંદની શુક્લા. અને ભાઈ, આઈપીએલ સિરીઝ શરૂ થઈ ગઈ છે, તો આપણે આઈપીએલની વાત ન કરીએ તો કઈ રીતે ચાલે? ખાસ રીઝન એ પણ છે કે આટલા વર્ષોમાં પહેલી વાર ગુજરાતની આઈપીએલ ટીમ આવી છે, અને સાથે ટેક ગુરુ શો છે, તો ટેકનોલોજીની વાત ન કરીએ એ પણ ન ચાલે. તો એક કામ કરીએ, આજે આપણે બંને વાતો સાથે કરીએ, એટલે કે ટેક ગુરુ આઈપીએલ સ્પેશિયલ. જી હા, અને આ સ્પેશિયલ રજૂઆતમાં આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે ગુજરાત લાયન્સ, જે ગુજરાતની પહેલી આઈપીએલ ટીમ છે, એના ઓનર કેશવ બંસલ. તો જાણીએ એમની સાથે આપણે વાતો કરીએ કે શું ખાસ છે એમની લાઈફમાં ટેકનોલોજીને રિલેટેડ, અને સાથે સાથે એ GL એટલે કે ગુજરાત લાયન્સ ટીમ વિશે શું માને છે, ગુજરાત સાથે, રાજકોટ સાથે, અમદાવાદ સાથે એમનું શું સ્પેશિયલ કનેક્શન છે, આવો જાણીએ. केशव, स्वागत है आपका CNBC बाजार और टेक गुरु पर. सबसे पहले ये बताइए कि सीजन स्टार्ट हो गई है और बेस्ट विशेस आगे जो मैचेस है हमारे उसके लिए, और आपको क्या लगता है, प्लेयर्स के साथ आपने राजकोट में भी प्रैक्टिस की है तो प्रिपरेशंस, और कैसा क्या लग रहा है आपको, प्लेयर्स कितने उत्साहजनक है और कैसी प्रैक्टिस है? जी बहुत बहुत धन्यवाद चांदनी, सबसे पहले आपकी बेस्ट विशेस, क्योंकि उसकी हमें काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि पहली गुजरात की टीम है. तो जी देखिए, चूँकि हम लोग पहली बार पूरा नए सेटअप में हैं, है ना, 8 सीजन हो चुके हैं आईपीएल के, और अभी तक गुजरात जैसे एक क्रिकेटिंग लविंग स्टेट में अभी तक एक भी होम टीम नहीं मिली गुजरात को, तो कुछ नजदीक समझता हूँ कि हम ये अपॉर्चुनिटी लेकर आ पाए. तो इसीलिए चूँकि सब कुछ नया है, तो हमने, आप देखिए, प्रैक्टिस कैंप भी हमने काफ़ी जल्दी शुरू कर दिया था. 1 अप्रैल को मोस्टली सारे प्लेयर्स आ गए थे, तो उस दिन से हमारे जितने भी हमारे प्रैक्टिस सेशन हैं नेट्स पे, मेन फील्ड पे, सारी चीज़ें शुरू हो चुकी थी. काफ़ी टीम पॉजिटिव है, शेप में है, एनर्जी बहुत है, सब लोग में काफ़ी उत्सुकता है, गुजरात में काफ़ी प्यार मिल रहा है लोगों का, फैंस थोड़ा बहुत प्रैक्टिस मैचेस में भी आ रहे हैं, तो ओवरऑल प्रैक्टिस जोरों शोरों से चल रही है. विकेट बहुत अच्छा है, स्टेडियम नया है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का, तो उसके हिसाब से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा सपोर्टिव है, तो ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही हैं, एंड सारे प्लेयर्स यही कोशिश कर रहे हैं कि अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड दें. मेरी इंटरेक्शन चल रही है सारे प्लेयर्स के साथ, तो सारे काफ़ी खुश हैं और सारे मोटिवेटेड हैं. ठीक है, और केशव आगे मैं आपको पूछना चाहूँगी कि राजकोट के साथ क्या कुछ स्पेशल कनेक्शन है आपका, क्योंकि गुजरात लायंस राजकोट से आपने सिलेक्ट किया, तो उसके पीछे क्या वजह है और क्या कनेक्शन है? जी गुजरात एज अ स्टेट हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम था, क्योंकि गुजरात इंटेक्स जो हमारी ब्रांड है उसके लिए, इंटेक्स ब्रांड के लिए गुजरात सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट है अक्रॉस द नेशन. हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल हैंडसेट्स में इंटेक्स नंबर वन है गुजरात में, स्पीकर्स में बात करें तो इंटेक्स नंबर वन है, LED टेलीविजन की बात करें, वॉशिंग मशीन की बात करें, तो इंटेक्स काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, और मार्केट शेयर काफ़ी इंटेक्स का स्ट्रॉन्ग है गुजरात में. तो देयरफॉर आइडिया था कि हमें गुजरात में एक नई टीम लेकर आनी है, और चूँकि जब गुजरात की बात है तो जो BCCI ने जो अपॉर्चुनिटी दी थी वो राजकोट ही दी थी. और अगर मैं लाइटर साइड पे कह सकूँ तो मैंने जैसे बताया कि मेरी मदर अहमदाबाद से है, गुजरात से है, तो कहीं ना कहीं वो पर्सनल कनेक्ट और वो सॉफ्ट कॉर्नर भी रहता है. और इंटेक्स प्रोडक्ट्स की आपने जब बात की, तब मैं पूछना चाहूँगी कि ड्यूरिंग IPL 2016 कुछ इंटेक्स टेक्नोलॉजीज़ की ओर से कुछ नया आने वाला है, कुछ लॉन्चिंग आने वाले टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में? जी देखिए, हम लोग इनोवेटर्स कहलाए जाते हैं. हमने लास्ट ईयर भारत की पहली एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्ट वॉच लॉन्च की थी, जिसके अंदर सिम कार्ड, कैमरा, सारी फैसिलिटी थी, जिसका हमें बहुत ही शानदार रिस्पांस मिला. तो सिमिलरली अगर हम मोबाइल में इंटेक्स नंबर वन मोबाइल ब्रांड है आज की डेट में भारत की, तो LED टेलीविजन बहुत अच्छे चल रहे हैं. तो द आइडिया इज़ कि हम जितने भी हमारे ये प्रोडक्ट वर्टिकल्स हैं इसके अंदर हम लोग इनोवेट करते रहेंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस हम लॉन्च करते रहेंगे. वेयरेबल्स एक बहुत ही प्रॉमिसिंग सेगमेंट है जिसके अंदर हमें बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है. फिटनेस, हमने एक फिटनेस बैंड लॉन्च किया है अभी इंटेक्स का, हम कम्प्लीटली सोल्ड आउट है. आई एम
आई एम रियली हैप्पी जो रिस्पॉन्स हमें मिला है। तो आप ये देखेंगे कि आईपीएल के दौरान भी हम लोग एक तो एक्वा लायंस करके एक गुजरात लायंस जो हमारे टीम फ्रेंचाइज के अराउंड कंप्लीट पैकेज्ड फोन होगा ये, जिसके अंदर गुजरात लायंस का कंटेंट भी होगा और उसकी ओवरऑल लुक एंड फील भी गुजरात लायंस के अराउंड होगी, तो वो पूरे टीम के अराउंड फोन होगा। तो सिमिलरली आप मोबाइल की बात करें, टीवी की बात करें, तो हमारे जो भी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हम लॉन्च करते रहेंगे, वेरिएबल्स के अंदर भी हम लोग काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स अभी लॉन्च करेंगे आईपीएल के दौरान। और गुजरात लायंस की अभी टीम के ऊपर फिर से आते हैं, तो मोस्ट रिलायबल प्लेयर आपको कौन से लगते हैं कि नहीं अगर ये प्लेयर जो है फील्ड पे है तो आप एकदम टेंशन फ्री रहोगे? जी ये तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया आपने कि अपने बच्चों में से चूज करने वाली बात होगी कि कौन सा आपको पसंद है कौन सा नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है कि आप एक ही प्लेयर के ऊपर आप निर्भर रह सकते हैं। क्रिकेट ऐसा गेम है कि पूरा एक टीम गेम है, तो पूरा टीम एफर्ट बहुत ज़रूरी होता है, तो सारे प्लेयर्स का अपना अपना रोल होता है। अगर आपका बैटिंग स्ट्रांग हो गई और बॉलिंग वीक हो गई तो भी आप वीक पोजीशन में आ गए, अगर आपकी बॉलिंग स्ट्रांग हो गई बैटिंग वीक हो गई तो भी आप वीक पोजीशन में आ गए। तो आपको ज़रूरी है कि हमारे सारे प्लेयर्स एकजुट होकर खेलें, सब में कॉन्फिडेंस हो और सब अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखें। सिर्फ एक प्लेयर को पे निर्भर रहना भी ठीक नहीं रहता, और टीम गेम है तो टीम साथ में चलेगी तो उतना ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कैप्टन की सुरेश रैना, उनके करंट स्टेटस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें उसको देखें तो क्या आपको लगता है कि आईपीएल में कितना बेहतर वो कर पाएंगे कि नहीं, कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा है टेंशन की कर पाएंगे कि नहीं? देखिए चांदनी, हम जो हर एक प्लेयर के अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सुरेश रैना एक शानदार क्रिकेटर हैं, एक शानदार बैट्समैन हैं, एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है उनका, और स्पेशली मैं अगर आईपीएल की बात करूं उनके सबसे ज़्यादा रन हैं बतौर बैट्समैन इन दी आईपीएल फॉर्मेट। तो एक सक्सेसफुल प्लेयर हैं, अपना ट्रैक रिकॉर्ड प्रूव कर सकते हैं, एक शानदार टीम प्लेयर हैं। तो ये थोड़े बहुत चीज़ें अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। मुझे ज़्यादा आपने जैसे वर्ड बोला, ऐसी कोई आशंका या कोई ऐसे कोई स्ट्रेस नहीं है कि सुरेश रैना को परफॉर्मेंस में दिक्कत आएगी। आई थिंक ये पार्ट एंड पार्सल है, वो मैं उनसे पर्सनली इंटरेक्ट कर रहा हूँ, फुल प्रैक्टिस में जोरों शोरों से चल रही है, वो अपना पूरा फोकस और डेडिकेशन के साथ अपना काम कर रहे हैं और अपने एफर्ट्स उस डायरेक्शन में डाल रहे हैं, टीम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक आईपीएल एक डिफरेंट माहौल है, इंडिया में वो सबसे ज़्यादा आईपीएल मैचेस भी खेल चुके हैं, तो उनको पूरा प्रेशर भी पता है कि किस तरह से हैंडल करना चाहते हैं। तो ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कंसर्न होगा, क्योंकि अगर अपना वो बेस्ट फुट फॉरवर्ड डालते हैं जो कि उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, तो आई थिंक टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। ભાઈ ગુજરાત સાથે અમદાવાદ સાથે કઈ રીતે કેશવ જોડાયેલા છે કે ભાઈ એમનું મમ્મીનું ફેમિલી, મમ્મીનું પિયર જે કહી શકાય ત્યાં છે, એટલે ખાસ કનેક્શન છે, સાથે સાથે ટીમના પ્લેયર્સ જે છે કઈ રીતે તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે, ઘણી બધી આપણે વાતો કરી, ઘણું બધું આપણે જાણ્યું। હવે સમય છે એક નાનકડા વિરામનો, પણ વિરામ બાદ ક્યાંય ન જતા ફરી આવજો, કારણ કે કેશવ આપણી સાથે શેર કરશે બીજી ઘણી બધી ટીમ સ્ટ્રેટેજીઝ, આ સિવાય ગેજેટ્સ અને સ્માર્ટફોન્સના ફીચર્સ, આ બધું પોતાનું એમનું પોતાનું શું માનવું છે આ વિશે આ પણ વાતો કરવાની છે, પણ નાનકડા વિરામ બાદ। બ્રેક બાદ ફરી તમારું સ્વાગત છે ચેક ગુરુ આઈપીએલ સ્પેશિયલ પર, હું છું ચાંદની શુક્લા અને આપણી સાથે જોડાયેલા છે ભાઈ ગુજરાત લાયન્સ, પહેલી ગુજરાતની આઈપીએલ ટીમના ઓનર કેશવ બંસલ। આપણે એમની પાસેથી ઘણી બધી વસ્તુઓ જાણી, ગુજરાત સાથેનું એમનું કનેક્શન, ટીમ વિશે, કેપ્ટન સુરેશ રૈનાના પરફોર્મન્સ વિશે। હવે સમય છે કંઈક ટેકનોલોજીકલ વાતો કરીએ એમની સાથે કે શું ખાસ એ જોઈ રહ્યા છે સ્માર્ટફોનમાં, કયા કયા ફીચર્સ એમને ગમે છે, એપ્લિકેશન્સ ગમે છે, આ બધું જ જાણવાનું છે, કયા ગેજેટ્સનો યુઝ કરે છે, ચાલો જાણીએ। और आगे बात करते हैं गुजरात गवर्नमेंट और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, उनकी ओर से आपको कितना सहयोग मिला, क्या रिस्पांस मिला?
जी गुजरात टूरिज्म की मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो गुजरात टूरिज्म हमारे पास हमारी टीम का लीडिंग आर्म स्पॉन्सर बना है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट गुजरात गवर्नमेंट हैज़ बीन सपोर्टिव. जहाँ पे भी कोई बात हुई है उन्होंने कुछ भी हेल्प चाहिए हमारी टीम को तो हमने उनको रीच आउट करा तो उन लोगों ने बहुत कोऑपरेट करा, सारा सिस्टम समझाया कि किस हिसाब से चीज़ें मूव फॉरवर्ड होती हैं. तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा सहयोग मिला है गुजरात गवर्नमेंट से. और अगर मैं सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन की बात करूँ तो जो प्रेसिडेंट है हमारे सेक्रेटरी हैं निरंजन शाह, बहुत ही सारे कोऑपरेटिव लोग हैं. बहुत उनमें भी काफ़ी उत्साह है कि पहली बार हो रहा है तो उस हिसाब से वो भी पूरे अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं और टीम के साथ इन सिंक चल रहे हैं. सारे जितने भी हमारे लोकल ऑपरेशनल नीड्स हो या कुछ भी टीम को समझना है तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से सहयोग दे रहे हैं, काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स है. तो ओवरऑल काफ़ी खुश हूँ. ओके, अभी गुजरात लायंस से थोड़ा हटके अगर बात करें तो कोई ऐसी एक टीम है कि आपको लगता है कि नहीं गुजरात लायंस को वो टफ फाइट दे सकती है या आपकी फेवरेट टीम कोई आईपीएल की? जी मेरी फेवरेट टीम तो गुजरात लायंस ही है. और अगर मैं आपकी इस तरह से देखें कि अगर हम ये देखें कि कोई एक टीम पे अगर हम अगेन शॉर्टलिस्ट कर लें वही सेम बात होगी कि अगर आप बाकी टीमों को कमज़ोर समझेंगे तो आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे. आपको हर एक गेम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. कैप्टन और कोच से भी यही बात होती है कि हर एक गेम के हिसाब से डिफरेंट स्ट्रैटेजी होगी क्योंकि आपको कम से कम भी 8 से 9 मैचेस जीतने होंगे अगर आपको प्लेऑफ्स के लिए बनाना है. तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए हर एक टीम के. सारी टीम के लाइनअप बहुत स्ट्रांग है. अगर आप इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, अगर आप किसी एक टीम पे आप शॉर्टलिस्ट कर लेंगे और बाकी टीम को अंडरडॉग या वीक समझेंगे तो आई डोंट थिंक दैट विल बी द राइट स्ट्रैटेजी. आपको हर एक टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस समझनी पड़ेगी, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और वही जीत का मंत्र रहेगा. ठीक है. और केशव अभी फिर से अगर टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात लायंस टीम प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का कितना यूज़ हो रहा है और कितना एक्टिव है टीम सोशल मीडिया पे? जी ये तो आप लोग बताएंगे मुझे, लेकिन ओवरऑल मैं बताता हूँ कि हम लोग इंटेक्स में भी हमने ये बिलीव करा है और एक एग्रेसिव 360 डिग्री मार्केटिंग अप्रोच होनी बहुत ज़रूरी है. तो उसके लिए हमने अगर आप देखें तो हमने टीवी से शुरुआत करी, एट द सेम टाइम सोशल रेडियो पे हमने पूरा प्रमोशन चल रहा है, आउटडोर हमारा बहुत अच्छा चल रहा है और सोशल मीडिया जो हमने खास कर पॉइंट बोला कि ये बहुत ही अहम होता है क्योंकि इसमें द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इज़ लेस और इसका आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है. तो अगर आप कोई से भी आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स देखें, टीम बहुत ही प्रोएक्टिव है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. अभी हमने अपनी एंथम लॉन्च की तो उससे बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लोगों का प्यार और लोगों को बहुत पसंद आई एंथम. तो सोशल मीडिया बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है और यहाँ पे भी हमने देखा है कि कुछ भी हम पोस्ट करते हैं, कुछ भी आप इंस्टाग्राम की बात करें, आप ट्विटर की बात करें, यूट्यूब की बात करें, तो ओवरऑल वी हैव टू स्टे ऑन आवर टोज और बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसा मीडियम है कि आप इमीडिएटली कनेक्ट कर जाते हैं फैंस को और फैंस के भी कुछ कंसर्न्स होते हैं तो वो लोग हमें बताते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हमने नाम शॉर्टलिस्ट किया था, जब हमारे हमें टीम हमने जीती थी तो हमने क्राउड सोर्स किया था, तो हमने सोशल मीडिया की पावर को यूज़ किया था कि गुजरात लायंस का जो नाम रखा जाए उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है. तो वो सिंक में सोशल मीडिया हमने अपने फैन से लिया था. और सिमिलरली एज टाइम प्रोग्रेसेस यू नो हमारी जर्सी की लुक एंड फील क्या है, कोई सुझाव लेना चाहते हैं हम लोग, तो फैंस सबसे राइट मीडियम और सबसे रिच मीडियम होता है जिससे ट्रू एक फीडबैक मिलता है रियल टाइम. तो ये सारे स्ट्रेंथ्स रख के सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी टीम इस पर बहुत ही प्रोएक्टिवली काम कर रही है एंड आई थिंक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. ओके, और अब तक हमने टीम की बात की, लोगों की बात की, फैंस की बात की, लेकिन केशव बंसल एज अ पर्सन अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी के बारे में तो ये जानना चाहेंगे आपके फेवरेट गैजेट्स कौन से जो डे टू डे लाइफ में आप डेफिनेटली यूज करते हो? जी मैं काफ़ी बड़ा गैजेट फ्रीक हूँ. अगर मैं बात करूँ यू नो स्टार्टिंग फ्रॉम अ फिटनेस बैंड और एंड एंड्रॉयड
स्मार्ट वॉच यू नो फिटनेस में मैं बहुत ज़्यादा रहता हूँ, तो हेल्थ ट्रैकर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तुझे इंटेक्स का जो फिटनेस्ट है इससे मेरे पूरे जितने भी कैलोरीज बर्न हुई, मैं कितने स्टेप्स वॉक किया, मैं कितने स्लीपिंग आवर्स मेरे कैसे रहे, मेरा हार्ट रेट मॉनिटर भी है इसके अंदर। तो ओवरऑल आई थिंक फिटनेस्ट और एक एंड्रॉयड जो स्मार्ट वॉच है उसके अंदर मैं बोलूँगा मैं काफ़ी इंटरेस्टेड रहता हूँ। और अगर हम लाइटर नोट पे बात करें तो फॉर एग्जांपल सेल्फी स्टिक मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। तो जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं टीम के बतौर, मैं ही आगे बढ़ के सेल्फी स्टिक से अपनी पूरी टीम के पिक्चर्स लेता हूँ, तो काफ़ी आई थिंक फन इंटरेस्टिंग रहता है और मज़े आते हैं। ओके, फीचर्स ऐसे कौन से जिसमें आपको मज़ा आता है? स्मार्टफोन्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कौन से ऐसे फीचर्स है कि आपको लगता है नहीं ये मेरे फ़ोन में होना ही चाहिए? जी आई थिंक मैं आज के डेट में हम सब लोग स्मार्टफोन से एडिक्टेड हो चुके हैं। आई थिंक फीचर्स की बात करूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, तो फीचर्स तो आज की डेट में बेसिकली परफॉर्मेंस आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर द फ़ोन। तो जैसे अगर हम मैं जो अभी करंटली यूज़ कर रहा हूँ इंटेक्स एक्वा जेनेक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो जो स्पीड है फ़ोन की वो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। ऑल्सो द लुक एंड फील, ऑल्सो द डिस्प्ले, आई थिंक ये सब चीज़ें अच्छी रहती है। तो एक आज के रेट में हमारी नेसेसिटी बन गया है स्मार्टफोन अपनी हमारी लाइफ का, हर एक लाइफ सबका, और एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गया है। तो लुक एंड फील बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप इतना आपका काम होता है, आपके ईमेल्स, आपके सोशल मीडिया, आपकी कॉल्स, आपके चैट्स, तो आपका प्रोसेसर, आपकी स्पीड फ़ोन की उस हिसाब से उसको हैंडल करनी चाहिए। तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि अगर फ़ोन हल्का सा भी हैंग हो या हीट हो। तो थैंकफुली ये सारे फीचर्स हमने अपने इंडेक्स फोन्स में काफ़ी ध्यान से मद्देनजर रखते हुए लॉन्च किए हैं। ओके, अभी स्पेशली बात करते हैं हम एप्लीकेशंस की, तो आपके फ़ोन पे कौन कौन से एप्लीकेशंस है जो आप यूज़ करते हैं? जी जैसे मैंने बताया आपको कि मैं सोशल मीडिया काफ़ी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आप बात करें और मेरे को वीडियोस लाइव वीडियोस, म्यूज़िक वीडियोस मुझे देखना बहुत पसंद है। तो अगर हम यूट्यूब की बात करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं सारी ऐप्स। सिमिलरली हेल्थ ट्रैकिंग के लिए हमारे इंटेक्स की हेल्थ मॉनिटरिंग ऐप्स होती हैं, तो वो सब फिटनेस के अराउंड जो चीज़ें होती हैं मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। ओके, एंड लास्टली आपको पूछना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी वर्ल्ड को बिल्कुल ही बदल दिया, आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हो, तो टेक्नोलॉजी को आप कहाँ पे देख रहे हो इन कमिंग 10 ईयर्स? वेल दैट्स अ गुड क्वेश्चन। 10 साल काफ़ी दूर की बात हो गई। मेरा ये मानना है कि हम इस दौर में हैं कि हम इस जगह प्रोसीड कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में हर हम लोग देख रहे हैं एक्चुअली कि स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी इसके इट्स बिकमिंग अफोर्डेबल, हर रोज़ प्राइस गिरते जा रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर पे काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, तो काफ़ी ज़रूरी है कि हम वैसा इकोसिस्टम क्रिएट करें। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आपको स्मार्टफोन्स, आपके फ़ोन्स आपको ज़ीरो प्राइस पे मिले, और अल्टीमेटली जो कंज्यूमर है या जो ब्रांड है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपना रेवेन्यू जनरेशन देखेगा और कंज्यूमर एक्विजिशन के बारे में सारा गेम है। तो आज की डेट में हार्डवेयर की हम बात करें तो वही ओल्ड नॉर्म तरीके से चले जा रहा है। बहुत सारी ब्रांड्स हैं, ऑलमोस्ट सबके सिमिलर प्रोडक्ट्स है, तो आपका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होना चाहिए। तो आई थिंक सॉफ्टवेयर इज समथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जिस पे हम इंटेक्स में बहुत ध्यान दे रहे हैं। R&D इज समथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो उसके अंदर हमें ध्यान देना चाहिए। और आने वाले टाइम में आप बिल्कुल सरप्राइज नहीं रहेंगे कि ब्रांड्स 0 रुपी फ़ोन लॉन्च करते हैं और सॉफ्टवेयर से अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। ओके केशव, और अभी जाने से पहले गुजरात लायंस टीम है, तो कुछ भी गुजराती में गुजरात लायंस फैंस के लिए कुछ मैसेज हो जाए। जी बिल्कुल, मेरे सारे गुजराती से यही अपील है कि आपकी
पहली गुजरात की होम टीम है, बहुत टाइम बाद आई है। आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार बहुत ज़्यादा मायने रखता है, उसके बिना हम लोग सक्सेस नहीं हासिल कर पाएंगे। तो आपकी अपनी घर की टीम है, आप लोग सब लोग आइए स्टेडियम में, मैच देखिए, या घर में भी अगर आप देख रहे हैं तो पूरा प्यार अपने आशीर्वाद टीम को दीजिए, और आप लोग का सहयोग बहुत ज़रूरी है। गुजरात में बारी छे गेम मारी छे, गेम मारी चाहिए भी एक हैशटैग है जो गुजरात लायंस के लिए अभी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। केशव, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आईपीएल 2016 के लिए बेस्ट विशेस आपको, और टेक गुरु में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। કેશવ બંસલ સાથે ભાઈ ઘણી બધી વાતો કરી આપણે ટેકનોલોજીકલ અને ગુજરાત લેન્સ ટીમ વિશે, પણ ઘણી મજા આવી, ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન પણ એને આપણી સાથે શેર કરી। હવે સમય છે કે હું તમને જણાવું આઈપીએલ સ્પેશિયલ એપ્સ। હવે આજકાલ દરેકના ફોનમાં, સ્પેશિયલી મારી ઓફિસની વાત કરું તો બધાના ફોનમાં 2-3 એપ્લિકેશન્સ તો તમને આ મળશે જ, ઘરે બેઠા કે ઓફિસમાં બેઠા કે બહાર બેઠા તમારા ફોન પર તમે જાણી શકો છો આઈપીએલ વિશે। તો આ સિઝનમાં જે ખાસ ખાસ એપ્લિકેશન્સ છે એ જે છે, સૌથી પહેલી એપ્લિકેશનનું નામ તમને હું કહું તો એ છે આઈપીએલ। આઈપીએલ નામથી જ આ એપ છે જેમાં તમને મળશે બોલ ટુ બોલ સ્કોર અપડેટ્સ, વિડીયો હાઇલાઇટ્સ અને ફીચર્સ પણ મળશે। તમારી ગેમ ફરીથી જોવી હોય, હાઇલાઇટ્સ જોવી હોય તો એ પણ તમે જોઈ શકો છો। લાઈવ ફોટો સ્ટ્રીમિંગ તમે કરી શકો છો, વિડીયો સ્ટ્રીમિંગ કરી શકો છો। આ ઉપરાંત બ્રેકિંગ ન્યૂઝ ફીચર્સ અને એક્સક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યૂઝ જે છે આઈપીએલ પ્લેયર્સના, તમારા ફેવરિટ પ્લેયર્સના, એ પણ આ એપમાં તમે મેળવી શકો છો। સાથે ફિક્સર્સ છે, રિઝલ્ટ છે અને મેચ રિપોર્ટ છે। કદાચ કોઈ મેચ તમે મિસ કર્યો છે તો શોર્ટમાં તમને મેચ રિપોર્ટ મળી જશે અને મેચનું રિઝલ્ટ પણ મળી જશે, અને તમારા ફોનમાં આ અપડેટ જે છે ઓટોમેટિકલી આવતી રહેશે જ્યારે એપ તમારા ફોનમાં હશે ત્યારે। સોશિયલ ફીચર્સ છે, હજુ એક જે બીજી એક બહુ સારી એપ છે એ છે ટીમ વાઇઝ એપ। ફોર એક્ઝામ્પલ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ, કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ, ગુજરાત લાયન્સ, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર, બધી જ ટીમનું ટીમ વાઇઝ તમે પ્લેયર્સ જાણી શકો છો। ઘણીવાર તમે જોવો છો કે દરેક સિઝન પર મોસ્ટ ઓફ પ્લેયર્સ જે છે આ ટીમમાંથી આ હશે, અને તમારે યાદ કરવું હોય, યાદ ન રાખવું હોય તો પણ એપ તમારી સામે છે, પ્લેયર્સનું લિસ્ટ તમારી સામે આવી જશે। અને પર્સનલી જે મને એપ ગમી છે ક્રિકેટ ડ્રેસ ફોર આઈપીએલ લવર્સ, એટલે કે એમાં તમે તમારે કોઈ પણ એક પ્લેયરને ધારી શકો છો અને એ રીતે તમારી જાતને ડ્રેસઅપ કરી શકો છો, તમારી ફેવરિટ ટીમના ફેવરિટ પ્લેયરના ડ્રેસમાં તમે આવી શકો છો, કસ્ટમાઇઝ કરી શકો છો તમારું ડ્રેસિંગ। એ ઘણો એક સારી સારી એપ છે। બીજું છે આઈપીએલ સ્કેડ્યુલ, તો તમારે સ્કેડ્યુલ ક્યાંય લગાવવાની, ફોન પર લખવાની કે નોટપેન પર કંઈ નોટ ડાઉન કરવાની જરૂર નથી, સ્કેડ્યુલ તમારી સામે એપમાં છે। એપ ખોલો અને દર એક મેચ કયા ટાઈમ પર છે, કયા વેન્યુ પર છે એ તમારી સામે આવી જશે। અને આ જે બધી એપ્લિકેશન્સ છે સ્પેશિયલી એન્ડ્રોઇડ અને આઈઓએસ પર તમે મેળવી શકો છો। તો આજે આખા આઈપીએલ સ્પેશિયલ પર આપણે ઘણી બધી વાતો કરી ગુજરાત લાયન્સ વિશે કેશવ બંસલ સાથે, અને આઈપીએલ સ્પેશિયલ એપ પણ મેં તમારી સાથે શેર કરી। આવનારા સપ્તાહ ફરી મળીશું અને ઘણી બધી ટેકનોલોજીકલ વાતો કરીશું, આઈપીએલની પણ આપણે વાતો કરીશું। એ સિવાય તમે યુટ્યુબ, ઇન્સ્ટા, ફેસબુક, ટ્વિટર પર અમારી સાથે કનેક્ટેડ રહી શકો છો, આઈપીએલના મેચ એન્જોય કરો ઘરે બેઠા બેઠા અથવા તો ગ્રાઉન્ડ પર જઈને, અને બસ યાદ રાખો મેચને મેચની જેમ લો, ગેમને ગેમની લો, એકદમ કહી શકાય કે નિરાશ થવાની જરૂર નથી કે બહુ ખુશ થવાની જરૂર નથી, એક રમત છે એ રીતે તમે માણો। ટેક ગુરુના આ સપ્તાહમાં આટલું જ, ફરી આવનારા સપ્તાહ મળીએ, ટિલ ધેન સ્ટે કનેક્ટેડ। We'll be right back.